आज मैं बात करूंगा ऐसे तीन कैमरा मॉडल्स की, अगर जिन्हें आप 2023 में थोड़ा अवॉइड करेंगे या आप उन्हें नहीं खरीदेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए अच्छा रहेगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये तीनों कैमरास जो मैं आज बताने वाला हूँ ये कैमरास थोड़े ख़राब हैं या इनमें कुछ प्रॉब्लम है या ये ब्रांड्स ठीक नहीं है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा सिर्फ यही मतलब है कि ये तीन कैमरा क्यों नहीं खरीदने चाहिए और क्या कारण है उसके पीछे, और आप उससे उसके काउंटर में आप क्या चीज़ अच्छे कैमरास ले सकते हैं या कौन से अदर ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं, तो वो सारी चीज़ें जो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। बट उसके पहले मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ का बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब भी मेरा नया वीडियो आएगा तो आपको पता चलेगा कि आज मेरा नया वीडियो रिलीज़ हुआ है। तो सबसे पहला जो कैमरा है जिसे मैं कहूँगा 2023 में आपको नहीं खरीदना चाहिए, थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, वो है दोस्तों सोनी अल्फा का 6400 या 6600 या 6600। अब ये कैमरा बहुत ही अच्छे हैं, ऐसा बिल्कुल भी इनके कैमरा में प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि कुछ टाइम पहले तक मैं आपको बोल रहा था कैमरा आप ले लीजिए, काफ़ी अच्छे हैं और आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बट 2023 में दोस्तों अब आपके पास में एक नया ऑप्शन आ गया है, वो है अल्फा 6700 जो कि सोनी का ही है। अब मेजर डिफरेंस अगर आप देखोगे दोनों कैमरास के अंदर तो भाई यहाँ पर जो है मेगापिक्सल से तो खास फ़र्क नहीं है, क्योंकि एक जो 6400 है वो 24 मेगापिक्सल का और ये 26 मेगापिक्सल का 6700, सो हार्डली एनी डिफरेंस इज मेगापिक्सल। लेकिन सेंसर जो है वो आपको 6700 के अंदर आपको मिल रहा है BSI APS-C BSI CMOS सेंसर जो कि बैक साइड इल्यूमिनेटेड सेंसर है और काफ़ी अच्छा, यानी कह सकते हैं कि बिल्कुल एक नया सेंसर आपको इस कैमरा में मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू जो ये दोनों ओल्ड मॉडल्स मैंने आपको नाम बताए हैं। अब दूसरा जो बड़ा डिफरेंस आ जाता है वो आ जाता है दोस्तों इमेज प्रोसेसर का। तो अगर हम सोनी अल्फा 6700 प्रोसेसर देखें तो 6700 में आपको मिल रहा है बायोन्स XR प्रोसेसर, और अगर हम बात करें पुराने मॉडल्स की यानी कि सोनी अल्फा 6400 की या 6600 की, तो वहाँ पर आपको मिल रहा है बायोन्स X प्रोसेसर। तो ये जो नया प्रोसेसर है 6700 में यानी कि बायोन्स X प्रोसेसर XR प्रोसेसर है, वो कहीं ज़्यादा कैपेबल प्रोसेसर है एज़ कम्पेयर टू जो दोनों मैंने मॉडल्स बताए। तो ये दो बड़े मेजर डिफरेंस आ जाते हैं, यानी कि सेंसर का, नए सेंसर का और नए इमेज प्रोसेसर का। अब तीसरा जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो है दोस्तों यहां पर बिट रेट का। तो अगर आप नया सोनी का अल्फा 6700 लेते हैं तो यहाँ पर आप मैक्सिमम बिट रेट आपको मिल रही है 600 Mbps की, और अगर आप देखेंगे कि सोनी अल्फा 6400 या 6600 को अगर आप कंसीडर करेंगे तो वहाँ पर आपको मिल रही है ओनली 100 बिट रेट, यानी कि 100 Mbps की बिट रेट, जो कि बहुत ही कम है सोनी अल्फा 6700 के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए, जितना हायर बिट रेट पे आप शूट करेंगे उतनी बेहतरीन वीडियो क्वालिटी जो है वो आपकी निकल के आएगी। हायर बिट रेट मतलब बेटर वीडियो क्वालिटी। तो एक ये बहुत बड़ा कारण हो जाता है इन दोनों कैमरास को अवॉइड करने का और सोनी अल्फा 6700 को लेने का, बिकॉज बिट रेट इज़ वेरी गुड। उसके बाद जो चौथा सबसे बड़ा कारण है वो है दोस्तों सोनी अल्फा 6400 को ना लेने का या 6600 को ना लेने का और सोनी अल्फा 6700 को लेने का, वो है दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ फोकस पॉइंट्स। तो यहाँ पर आपको मिल रहे हैं 6700 में 759 ऑटो फोकस पॉइंट्स और वहाँ पर आपको मिलते हैं 425 ऑटो फोकस पॉइंट्स। तो यहाँ पर आपकी जो ऑटो फोकस ट्रैकिंग है उसकी कैपेबिलिटीज़ कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आप एक व्लॉगर हैं, आप सोलो शूटर हैं या आप रन एंड गन सिचुएशन में काम करते हैं जहाँ पर बहुत जल्दी आपको सारे काम को निपटाना होता है, तो भैया यहाँ पर ऑटो फोकसिंग जो वो आपको बेटर मिलेगी सोनी अल्फा 6700 में। दूसरी चीज दोस्तों यहां पर एक चीज और ध्यान रखने वाली है, वो है दोस्तों यहां पर ऑटो फ्रेमिंग का फीचर जो आपको मिल रहा है सोनी अल्फा 6700 में। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो है सब्जेक्ट डिटेक्शन जो है वो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ में होगा एज कंपेयर टू जो पुराने मॉडल से सोनी के 6400 या 6600 में। तो ये कुछ मेजर कारण है। बैटरी लाइफ भी जो है वो भी आपको बेटर मिल रही है सोनी 6700 में। उसके अलावा कुछ और फीचर्स हैं जो कि कहीं बेटर है, जैसे कि इमेज स्टेबिलाइजेशन है जो 6400 में था ही नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको अच्छा खासा जो है एक IBIS आपको मिल रहा है। अगर आप हैंडल शूट कर रहे हैं कई जगह पे आपको गिम्बल की ज़रूरत नहीं होती और कई जगह आपको हैंडल ही शूट करना पड़ता है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी फुटेज मिल जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें जो है जो सोनी अल्फा 6700 को कहीं बेटर कैमरा बनाती हैं एज़ कम्पेयर टू सोनी अल्फा 6400 के। तो अगर 2023 में आप एक नया कैमरा लेने की सोच ही रहे और आपके दिमाग में अगर ये कैमरास थे दोनों 6400 या 6600, तो उसको आप थोड़ा सा भूल जाइए, थोड़ा सा ज़्यादा पैसा खर्च करिए और ये वाला बेटर कैमरा लीजिए, तो अगले 3-4 साल जो है आप आसानी से इसके ऊपर काम कर पाओगे। अब बात करते हैं दूसरे कैमरा की। तो भैया दूसरा जो कैमरा है जो आपको नहीं लेना है 2023 में, वो है फूजी फिल्म का XS10। अब XS10 वैसे तो कैमरा बहुत ही अच्छा है, मैंने उसका रिव्यू भी किया है, आप देख लेना जाके उसे, लेकिन अब जो है आपके पास में आ चुका है दोस्तों 2023 में, वो है फूजी फिल्म का XS20। तो अगर आप एक ऐसा कैमरा ढूंढ रहे हैं जिसमें काफ़ी सारे फीचर्स हों, आपकी शूटिंग कंडीशंस को आसान बनाए, आपको जो है बेहतरीन इमेज क्वालिटी भी मिले और बाकी सारी चीज़ें भी आपको थोड़ी
एडेड मिले तो फिर एक्सेस 20 आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। मेगापिक्सल्स और काफ़ी सारे फीचर्स जो है वो लगभग बराबर है। मैं मोटी मोटी बात बताता हूँ फ़र्क क्या है। तो अगर हम बात करें अर्गोनॉमिक्स की, तो आपको एक्सेस 20 के अंदर थोड़ी सी ग्रिप जो है वो डीपर और थोड़ी सी लार्जर ग्रिप मिल रही है। बटन्स जो है उसके थोड़े से ऊपर के आप देखेंगे तो वो थोड़े से आपको साइज़ में बड़े मिल रहे हैं ताकि आप जो है नेविगेट आसानी से कर पाएँ। तो अर्गोनॉमिक्स मुझे थोड़ा सा बेटर लगा एक्सेस 10 की तुलना में। लेकिन जो मेजर फ़र्क है दोस्तों वो यहाँ पर आ जाता है लिमिटेड अनलिमिटेड वर्सेज लिमिटेड वीडियो रिकॉर्डिंग का। तो अगर आप एक व्लॉगर हैं, आप बहुत सारा कंटेंट शूट करते हैं, आप ट्रैवल व्लॉगर हैं, काफ़ी सारा कंटेंट बनाते हैं, तो यहाँ पर आपको एक्सेस 20 में जो है वो आपको मिल रही है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग, जबकि एक्सेस 10 के अंदर आपको जो है लिमिटेड रिकॉर्डिंग का ऑप्शन था। अब दोस्तों आप जानते हैं मिररलेस कैमरा में जो है हीटिंग का या ओवर हीटिंग के इशूज़ आते रहते हैं, स्पेशली जब आप बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आप वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर आपको फूजी फिल्म एक्सेस 20 के अंदर आपको एक एक्सटर्नल कूलिंग फैन मिल रहा है। तो अगर आप बहुत अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, एक घंटा या उसके ऊपर की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं एक साथ, या कोई पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं या कोई व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो यहाँ पर आप एक्सटर्नल कूलिंग फैन लगा सकते हैं जिससे आपका जो कैमरा है वो ओवरहीट नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज है जो कि फूजी फिल्म एक्सेस 10 में नहीं था। उसके अलावा एक एडवांटेज आपको और मिल रहा है एक्सेस 10 की तुलना में, वो है दोस्तों बैटरी लाइफ। तो यहाँ पर एक्सेस 20 में आपको बैटरी लाइफ मिलती है 750 शॉट्स और वहाँ पर आपको मिल रहे हैं ओनली 325 शॉट्स। तो ऑलमोस्ट आपको डबल बैटरी लाइफ मिल रही है, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है किसी भी फोटोग्राफर को, या अगर आप वीडियो शूट कर रहे हैं तो भी आपको एक अच्छा एडवांटेज है बिकॉज बैटरी लाइफ इज़ रियली सुपर। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको जो बिट रेट है वो भी काफ़ी अच्छी मिल रही है, हालांकि ज़्यादा फर्क नहीं है, बट यहाँ पर आपको मिल रही है 360 Mbps की बिट रेट और एक्सेस 10 में आपको मिलती थी 200 Mbps की बिट रेट। तो जैसा मैंने बताया हायर बिट रेट मतलब बेटर इमेज या बेटर वीडियो क्वालिटी। तो अगर आपका वीडियो का काम ज़्यादा है तो फूजी फिल्म एक्सेस 20 आपके लिए कहीं ज़्यादा बेटर कैमरा रहेगा। यहाँ पर एक फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो है प्रोडक्ट शोकेस मोड का। तो अगर आप एक व्लॉगर हैं या काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, जहाँ पे हम कई बार इस तरह से कैमरा में जैसे मुझे वॉच दिखा रहे हैं, तो मैं आपको ऐसे वॉच दिखाऊंगा कैमरा के सामने रख के, तो ऑटोमेटिकली वो फोकस जो है मेरे चेहरे से हटके जो है सीधा इस तरह से वॉच पे चला जाएगा। तो ये प्रोडक्ट शोकेस मोड भी जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके अलावा आप फूजी फिल्म एक्सेस 20 को जो है एज अ वेबकैम भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी एक एडवांटेज है ओवर फूजी फिल्म एक्सेस 10, जो कि फूजी फिल्म एक्सेस 20 को कहीं बेटर कैमरा बनाता है फूजी फिल्म एक्सेस 10 की तुलना में। तो अगर आप एक नया कैमरा लेने जा रहे हैं स्पेशली फूजी फिल्म का, तो मैं बोलूँगा कि आप कंसिडर करें फूजी फिल्म एक्सेस 20, कहीं बेटर कहीं जिसे आप कहते हैं लोडेड फीचर के साथ में जो है आपको ये कैमरा मिल रहा है। प्राइस का थोड़ा डिफरेंस होगा बट इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करेंगे अब तीसरे कैमरा की, जिसे हमें 2023 में जो है थोड़ा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसकी जगह अब दूसरा कैमरा आ चुका है। तो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों सोनी A7C की। तो अगर आप एक नया कैमरा ले रहे हैं तो सोनी A7C को आप थोड़ा सा भूल जाइए और अब जो है आप ले सकते हो सोनी A7C II। अब मेजर जो फ़र्क आ गया है वो आ गया है मेगापिक्सल्स का। तो अगर आप वीडियोग्राफी फोटोग्राफी दोनों करते हैं तो यहाँ सोनी A7C II के अंदर आपको मिल रहा है 33 मेगापिक्सल, जबकि सोनी A7C में आपको मिल रहे थे ओनली 24। तो यहाँ पर मेगापिक्सल्स बढ़ने के साथ साथ जो है अब ये कैमरा बन जाता है उन लोगों के लिए अच्छा जो लोग फोटोग्राफी का भी मेजर काम करते हैं और वीडियोग्राफी का भी। अब इमेज प्रोसेसर है वो भी यहाँ पर आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया, बायोन्स XR इमेज प्रोसेसर मिल रहा है सोनी A7C II के अंदर और वहाँ पर आपको मिल रहा है बायोन्स X। तो ये भी एक बड़ा फ़र्क है जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरू में 6700 और 6400 में। हालांकि जो सोनी A7C II या सोनी A7C कैमरा है ये फुल फ्रेम कैमरा है। और तीसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर मेजर डिफरेंस नज़र आया अगेन वो है बिट रेट का। तो आप सोनी A7C II के अंदर आप शूट कर पाएंगे 600 Mbps के ऊपर और वहाँ पर आपको मिल रहा है ओनली 100 Mbps। तो यहाँ पर आप इमेजिन करिए फुल फ्रेम कैमरा है, आप लो लाइट में शूट कर रहे हैं, बैकग्राउंड को ब्लर करना है, 600 Mbps पे आप शूट कर रहे हैं, तो आप सोचिए आपको कितनी बटरी स्मूथ और ब्यूटीफुल फुटेज मिलेगी एज़ कम्पेयर टू सोनी A7C कैमरा में। तो 2023 में सोनी A7C II कैमरा कहीं ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है सोनी A7C से। अब सोनी A7C शुरुआती तौर में एक तरह से क्या कह सकते हैं कि एक एक्सपेरिमेंटल कैमरा था जो रेंज फाइंडर स्टाइल के अंदर जो है निकाला गया था, लेकिन अब जो सोनी A7C II है वहाँ पर ऐड कर दिया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि यहाँ पर भी आपको मिलेगा कमाल का ऑटो फ्रेमिंग वाला फीचर। तो अगर आप एक व्लॉगर हैं, आप प्री वेडिंग शूट्स करते हैं, आप बहुत सारी एडवर्टाइजिंग फिल्म्स बनाते हैं या आप डॉक्यूमेंट्री शूट करते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपका सब्जेक्ट के ऊपर खाली टैप करना है और सब्जेक्ट अगर आपका भीड़ में भी होगा या जहाँ पर भी होगा ऑटो फ्रेमिंग जो है बराबर रीफ्रेम करता रहेगा आपके सब्जेक्ट को, यानी कि फोकस जो है वो कम्प्लीटली फॉलो करेगा आपके सब्जेक्ट को। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है जो सोनी A7C II को जो है वो काफ़ी एक एडवांस कैमरा बनाता है। उसके अलावा अगर दोस्तों हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट डिटेक्शन जो है जैसे मैंने आपको बताया AI फीचर उसके अंदर आपको मिल रहा है, तो उसके अंदर आपको जैसे व्हीकल ट्रैकिंग है या आपको एनिमल ट्रैकिंग है या आपको अलग अलग तरह के आप इंसेक्ट्स को शूट कर रहे हैं, तो वो सारे जो है आपको यहाँ पर ऑटो फोकस
फोकस ऑटो फोकस कैपेबिलिटीज जो है वो आपको कहीं बेहतरीन मिलने वाली है एज कम्पेयर टू सोनी A7C के। सोनी A7C की तुलना के अंदर सोनी A7C2 के अंदर आपको दोस्तों मिल रहे हैं यहाँ पर 2 stops more यानी कि 7 stop का इमेज स्टेबलाइजेशन। तो अगर आप हैंडल्ड भी शूट करेंगे अपने वीडियोस को तो आपको काफ़ी अच्छा एडवांटेज मिलेगा फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी दोनों में। तो यहाँ पर फोकस पॉइंट ज़्यादा फर्क नहीं है, हार्डली मेरे ख्याल से 50-60 ऑटो फोकस पॉइंट्स का डिफरेंस होगा, ज़्यादा फर्क नहीं है। सो ओवरऑल अगर हम टोटली कंपेयर करें सोनी A7C को सोनी A7C2 से तो यहाँ पर एनी टाइम जो है सोनी A7C2 कहीं ज़्यादा बेटर कैमरा साबित होता है 2023 में। सो थोड़ा सा अपना बजट बढ़ाइए और एक अच्छे कैमरे के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट करिए। सो मोटे मोटे तौर पे 3 जो कैमरा मॉडल्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताया सोनी A6400 फूजी फिल्म XS10 और आपका सोनी A7C, ये 3 कैमरा मॉडल्स को अगर आप 2003 में अवॉइड करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज इन तीनों के अच्छे खासे रिप्लेसमेंट आ चुके हैं सेम ब्रांड के अंदर और कहीं ज़्यादा अच्छे फीचर्स के साथ में। तो इनसे जुड़े कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे लिख के ज़रूर पूछिएगा। और ये तीनों कैमरा मुझे इसलिए भी अच्छे लगे दोस्तों क्योंकि एक मिड सेगमेंट के अंदर या मिड बजट के अंदर जो है ये तीनों कैमरा काफ़ी रेलेवेंट हो जाते हैं हर तरह के बजट वाले फोटोग्राफर्स या वीडियोग्राफर्स के लिए क्योंकि यहाँ पे वीडियो के फीचर्स एंड फोटोज़ के फीचर दोनों आपको मिल जाते हैं एक ठीक ठाक प्राइस के अंदर। तो ज़्यादातर जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनका जो बजट है अंडर 2 lakhs ही रहता है और कुछ जो सब्सक्राइबर्स हैं वो हाई एंड कैमरा भी ढूंढते हैं, बट ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अंडर 2000 में या कह सकते हैं अंडर 1,60,000 के अंदर एक अच्छा सोल्यूशन ढूंढ रहे थे फोटोज़ एंड वीडियोज़ का 2023 में। तो ये 3 कैमरा मॉडल्स मैं आपको रिकमेंड भी करना चाहूँगा जो उनके मैंने रिप्लेसमेंट बताए हैं। आपका इन कैमरा के बारे में क्या कहना है या मेरे विचारों से अगर आप नहीं भी सहमत है तो आपका कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार जवाब दे पाता हूँ कई बार नहीं दे पाता हूँ, बट कमेंट्स ज़रूर करिए। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। शुक्रिया, गुड नाइट।